चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन और उसके बाद प्रेस कीजिए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया है और ये लॉन्च हुआ है आज ही न्यू दिल्ली में एक इवेंट में और इसका नाम दिया गया है यू ट्रैक। इस जीपीएस सिस्टम का डिजाइन किया है रामाकृष्णा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड ने और इसके लिए पार्टनरशिप किया है शंघाई मोबिलिटी कंपनी के साथ और इसको कंट्रोल करेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इस सिस्टम का जो चिपसेट है उसको मैन्युफैक्चर करेगा एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोगों को बता दूं, इंडिया में अभी तक जो जीपीएस सिस्टम चल रहा था वो यूएस बेस्ड सैटेलाइट के ऊपर चल रहा था, लेकिन ये जो यूट्रैक है ये इंडिया के खुद के सैटेलाइट सिस्टम में बेस्ड होगा, यानी ये यूट्रैक जीपीएस मॉड्यूल बेस्ड होगा इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे, यानी आईआरएनएसएस के ऊपर ये जीपीएस सिस्टम बेस्ड या आधारित होगा और ये ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल लोकेशन डाटा यूजर्स को देगा। बता दें कि भारत के पास अपना खुद की जीपीएस सिस्टम ना होने की कमी का एहसास तब हुआ था जब 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के फौज ने कारगिल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तब इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि यूएस गवर्नमेंट इंडिया की मदद करे जीपीएस के थ्रू पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों की पोजीशन जानने में, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने तब जीपीएस डाटा प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया था और तभी से इंडिया का खुद का एक जीपीएस सिस्टम डेवलप करने का प्रोसेस चल रहा है। आप लोगों को बता दो, ये जो अल्ट्रा क्यू जीपीएस सिस्टम डेवलप हुआ है ये इंडिया के जो मेन लैंड है उसके 1500 किलोमीटर तक जीपीएस पोजीशनिंग का डाटा यूजर्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो इस यूट्रैक जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल वायुसेना, नौसेना, अंतरिक्ष सुरक्षा, सीमाओं की निगरानी, वाहनों को ट्रैक करने के लिए यानी व्हीकल ट्रैकिंग जैसे कई स्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। रामाकृष्णा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है इसका सैंपल अक्टूबर महीने से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उसके बाद इसको कमर्शियली लॉन्च करने का भी प्लान है। तो ये था अपडेट यूट्रैक के बारे में जो है इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे अपने ओपिनियन कमेंट्स में आप लोग लिख भी सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।